जिसकी वजह से सरकार ने 2021 में दलहन और तिलहन पर काफी फैसले भी लिए। सरकार के फैसलों से दालों पर हमने गिरावट भी बनते देखी। दालों पर स्टॉक लिमिट और दालों का आयात सरकारी फैसलों में से एक है। सबसे पहले सरकार ने दालों पर स्टॉक लिमिट लगाई थी, फिर उसके बाद चने के वायदा पर बैन लगाया था, जिसके तहत हमने चने की कीमतों पर दबाव भी बनते देखा था। वर्तमान में चने की कीमतें MSP से नीचे ही बनी हुई हैं। 2021 रबी सीजन के चने की बुआई हो चुकी है और कीमतें पहले से ही MSP से नीचे देखने को मिल रही है। अगर चने की कीमतें फसल की कटाई के समय MSP से नीचे ही बनी रही तो किसानों का हौसला टूट जाएगा और किसान आगे की चने की बुआई नहीं करेंगे, क्योंकि जब उन्हें अच्छा भाव ही नहीं मिलेगा तो भला क्यों आगे इसकी खेती करेंगे और नुकसान उठाएंगे। हालांकि अटकलें अभी ये भी लगाई जा रही हैं कि भावांतर योजना के तहत किसान को कुछ लाभ मिल सकता है। बाकी चने का रुझान मौसम पर भी काफी निर्भर करता है। जनवरी फरवरी में ठंड ज्यादा बढ़ जाएगी और इस बार मौसम विभाग के अनुसार ठंड भी पहले के मुकाबले ज्यादा पड़ सकती है। अगर ज्यादा पाला पड़ा या फिर ओले की स्थिति बनी तो चने की खड़ी फसल को नुकसान होगा। वहीं फेस्टिवल सीजन के चलते आगे चने की डिमांड बनी रहेगी। अभी शादी सीजन चल रहा है, फिर आगे होली भी आएगी, जिससे बेसन की डिमांड बढ़ जाएगी और कीमतों को सपोर्ट मिलता रहेगा। जानकारों के अनुसार हो सकता है चने की कीमतें आगे MSP के आसपास ही बनी रहे। चने की कीमतों में अगर ज्यादा तेजी नहीं दिखेगी तो ज्यादा गिरावट की भी उम्मीद नहीं नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।